हम ताजा तरीन खबरों के साथ सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है, पोषण आहार मामले में एक बड़ी गड़बड़ी निकलकर सामने आई। कैग की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ है। 2014 से 2016 के बीच भोपाल रायसेन में घोटाला हुआ है। अफसरों ने कंप्यूटर ऑपरेटर के खातों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा डाला है। परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका का पैसा ऑपरेटरों के नवासी खातों में डाला गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये पैसा और करीब 3,19,00,000 रुपए की राशि बैंक खातों में जमा कराई गई है। विदिशा, मुरैना, अलीराजपुर, झाबुआ में ये गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। एक ही बिल पर फ्लेवर्ड दूध का भुगतान हो गया है। तो मध्य प्रदेश में पोषण आहार मामले में बड़ी गड़बड़ी। कैग की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ है। 2014 से 2016 के बीच भोपाल रायसेन में घोटाला हुआ। अफसरों ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स के खातों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा डाला है। एक ही बिल पर फ्लेवर्ड दूध का भुगतान हो गया। विदिशा, मुरैना, अलीराजपुर और झाबुआ में भी गड़बड़ी निकलकर सामने आई। हालांकि इससे पहले भी कैग की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो पानी की टंकियां हैं उसमें भी गड़बड़ी हुई है। तो कैग की रिपोर्ट में कई खुलासे हो रहे हैं और सवाल अधिकारियों पर उठ रहे हैं। ज्यादा अपडेट हम इस पर ले लेते हैं। हमारे संवाददाता वासु जुड़ चुके हैं। वासु, एक बड़ी गड़बड़ी हम इसे मान सकते हैं, ये घोटाले का खुलासा हुआ है कि भोपाल रायसेन में ये घोटाला हुआ। अफसरों ने कंप्यूटर ऑपरेटर के खातों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा डाला है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में और अभी तक क्या इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है कि नहीं? बिल्कुल करिश्मा, देखिए एक गंभीर मामला है जो कैग के माध्यम से जिसका खुलासा हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं जो लगातार पोषण आहार के काम में लगी रहती हैं, चाहे पोषण आहार वितरण हो या फिर जो शिशुओं के और महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हो उनके क्रियान्वयन में एक अहम भूमिका इनकी होती है और सीधे रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काम करती हुई ये नज़र आती हैं। इसके अलावा सरकार की जो विभिन्न स्कीम्स होती हैं उनको भी, पॉलिसीज़ होती हैं उनको भी ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने में इनका एक बड़ा योगदान रहता है, बड़ा हाथ रहता है। लेकिन भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है और रायसेन जो भोपाल से लगा हुआ जिला है, यहाँ पर परियोजना अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, उजागर हुआ है कैग की रिपोर्ट में। और जो करीब 3,20,00,000 रुपए की जो बड़ी रकम है इसको कंप्यूटर ऑपरेटरों समेत नवासी जो अन्य खाते हैं वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले की विस्तृत रूप से जांच होगी और केवल भोपाल और रायसेन ही नहीं, इसके अलावा धार, अलीराजपुर, बड़वानी और कुछ अन्य जिलों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब ये नेटवर्क कितना बड़ा था, इसमें कौन कौन शामिल था, किन किन अधिकारियों के नाम है, अब इसकी विस्तृत रूप से जांच की जाएगी। और निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में जो कि गंभीर लापरवाही और घोटाले से सीधे सीधे जुड़े हुए मामले हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो इस पर जरूर संज्ञान लेते हुए आने वाले समय में नजर आएंगे। करिश्मा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि इस मैटर के हाईलाइट होने के बाद अब क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन ये बेहद ही गंभीर मामला है। पोषण आहार मामले में एक बड़ी गड़बड़ी, कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। अफसरों ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स के खातों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा डाल दिया। तो करीब 3,19,00,000 रुपए की राशि बैंक खातों में जमा कराई गई है। ऑपरेटरों के नवासी खातों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा डाला गया है। तो एक बड़ी गड़बड़ी निकलकर सामने आई है।